हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी एजू हब ऑनलाइन क्लासेज, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 24, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसमें टॉपिक है आरएच सिस्टम। ये सेकंड सिस्टम है, फर्स्ट एबीओ सिस्टम था जो कि हमने पढ़ लिया है पिछले वीडियो के अंदर। आज आरएच सिस्टम। आरएच कारक जो होता है, इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर ने 1940 ईस्वी में किया। इसकी खोज लैंडस्टीनर व विनर ने 1940 में किया। खोज की एक बंदर में, बंदर के अंदर, उसका नाम था मैकाका रिसस बंदर। आरएच कारक जो होता है, यह मानव व बंदर के आरबीसी जो होती है, उस आरबीसी की सतह पर उपस्थित होता है। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो पाई जाती है मानव और बंदर की, इनकी सतह पर यह उपस्थित होता है। यह प्रतिजन जिस मानव के अंदर यह उपस्थित रहता है वो आरएच पॉजिटिव, और जिसके अंदर यह नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है, वो आरएच नेगेटिव होता है। भारत में आरएच पॉजिटिव 93% जो व्यक्ति हैं वो 93% आरएच पॉजिटिव होते हैं, अर्थात 93% लोगों में आरएच कारक पाया जाता है, और 7% जो व्यक्ति हैं उनके अंदर आरएच कारक नहीं पाया जाता, इस वजह से उनको आरएच नेगेटिव कहते हैं। इसके बाद यदि आरएच नेगेटिव वाला कोई व्यक्ति है, आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को बार बार यदि आरएच पॉजिटिव रक्त दिया जाए, आरएच पॉजिटिव ब्लड यहाँ से दिया जाता है, तो आरएच नेगेटिव व्यक्ति के अंदर आरएच नेगेटिव प्रति जन के विरुद्ध आरएच नेगेटिव एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक आरएच पॉजिटिव और एक आरएच नेगेटिव। आरएच नेगेटिव को बार बार दिया जा रहा है आरएच पॉजिटिव व्यक्ति का रुधिर, तो आरएच नेगेटिव व्यक्ति के अंदर आरएच नेगेटिव के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। ये जो क्रिया है इसको आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। आइसो इम्यूनाइजेशन क्योंकि यहाँ पर जो आरएच नेगेटिव जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के अंदर प्रतिजन व प्रतिरक्षी, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक ही प्रजाति के होते हैं, जिसमें से प्रतिजन जो होता है वो आरएच नेगेटिव प्रतिजन और आरएच नेगेटिव प्रतिरक्षी दोनों एक ही प्रजाति के होते हैं। इस वजह से इस मानव को जिसके अंदर आरएच नेगेटिव का था और ब्लड उसको आरएच पॉजिटिव दिया गया,
इसमें आइसो इम्यूनाइजेशन की जो क्रिया हुई है इस वजह से ही इसके अंदर ये क्रिया होती है और इसके अंदर प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों एक ही प्रजाति के पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ आरएच प्रतिजन युक्त रक्त, आरएच प्रतिजन युक्त रक्त ऐसा रक्त है जो कि आरएच प्रतिजन से युक्त है। आरएच नेगेटिव व्यक्ति को देने पर, आरएच नेगेटिव व्यक्ति को देने पर, यहाँ पर ब्लड जो है उसमें आरएच पॉजिटिव कारक है, आरएच कारक उपस्थित है, इस वजह से इसको आरएच पॉजिटिव। ये ब्लड यदि हम कैसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसके अंदर आरएच कारक क्या होता है अनुपस्थित होता है, तो इस व्यक्ति के अंदर असामान्यता उत्पन्न हो जाती है, इसके अंदर असामान्यता उत्पन्न हो जाती है। इस असामान्यता को इरिथ्रो ब्लास्टोसिस, इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिस या इसको बोलते हैं गर्भ रक्ताणु को रक्ता रोग उत्पन्न हो जाता है। दोबारा से देखेंगे, यहाँ अपने पास में ब्लड जो है उसके अंदर कैसा है आरएच पॉजिटिव यानी आरएच प्रतिजन उसके अंदर उपस्थित है। इस ब्लड को हम कैसे व्यक्ति को दे रहे हैं आरएच नेगेटिव यानी कैसे व्यक्ति को जिसके अंदर आरएच कारक अनुपस्थित होता है उसको ये देते हैं, तो उसके अंदर असामान्यता उत्पन्न हो जाती, उस असामान्यता को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। अब हम समझेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो होता है वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है। इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिस इसको बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। देखें यहां पर स्त्री है और ये आरएच नेगेटिव है, इसका विवाह जिस पुरुष के साथ में करवा रहे हैं वो आरएच पॉजिटिव होता है। स्त्री आरएच नेगेटिव, पुरुष आरएच पॉजिटिव, यानी कि ये जो स्त्री है इसके ब्लड के अंदर आरएच कारक नहीं पाया जाता और पुरुष जो है उसके ब्लड के अंदर आरएच पॉजिटिव उपस्थित होता है, तो यानी कि प्रथम जो संतान होगी, प्रथम संतान यदि यदि आरएच पॉजिटिव उत्पन्न होती है, कंडीशन है यहाँ पे यदि आरएच नेगेटिव और आरएच पॉजिटिव व्यक्ति की शादी करवाते हैं विवाह करवाते हैं तो इनकी प्रथम जो संतान है यदि वो आरएच पॉजिटिव है तो यहाँ से इसके खिलाफ मादा के गर्भ में एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। ये एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है इसमें समय ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है जब तक इस संतान का प्रसव या फिर जन्म हो चुका होता है। लेकिन जैसे ही इनकी दूसरी संतान भी यदि
आरएच पॉजिटिव होती है। तो इस आरएच पॉजिटिव ये जो भ्रूण है, इस भ्रूण के ब्लड में क्या पाया जाएगा? आरएच पॉजिटिव प्रतिजन। लेकिन इससे पहले ही मादा के गर्भ में पिछली जो संतान उत्पन्न हुई थी उसकी वजह से एंटीबॉडी बनी हुई है, वो एंटीबॉडी इसका विरोध करती है या इसके विरुद्ध कार्य करती है, जिससे इस संतान की आरएच पॉजिटिव जो संतान है इसके रुधिर के में पाए जाने वाली आरबीसी जो होती है उसका लयन हो जाता है, जिससे इस आरएच पॉजिटिव शिशु की मृत्यु हो जाती है या समय से पूर्व ये जन्म ले लेता है। तो ये असामान्यता जो उत्पन्न हुई है इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। दोबारा से देखें, यहाँ पर स्त्री आरएच नेगेटिव, पुरुष आरएच पॉजिटिव विवाह करवाते हैं, पहली संतान आरएच पॉजिटिव होती है तो इसका जन्म सामान्य रूप से होता है, क्योंकि माता के गर्भ में पहले से आरएच पॉजिटिव के विरुद्ध कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती। लेकिन इसका प्रसव होने से इसके ब्लड से आरएच पॉजिटिव के विरुद्ध क्या बन गई? यहाँ पर एंटीबॉडी बन गई है। इसका तो सामान्य रूप से प्रसव हो गया, जन्म हो गया, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन पीछे क्या बन चुकी है इसके विरुद्ध? एंटीबॉडी, जो कि प्रॉब्लम करती है नेक्स्ट जो संतान होती है उसमें। अब नेक्स्ट संतान, सेकंड जो इसकी संतति है वो भी आरएच पॉजिटिव होती है, तो उसके खिलाफ पहले से क्या है इसमें? एंटीबॉडी, जो कि इसका क्या करती है? विरोध करती है, जिससे इसकी आरबीसी का लयन होता है और इसकी क्या हो जाती है? गर्भ के अंदर ही इसकी मृत्यु हो जाती है या फिर ये समय से बहुत ही पहले क्या लेता है? जन्म ले लेता है। इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या फिर गर्भ रक्ताणु को रक्ता। अब बात करते हैं हम इसके समाधान की, उपचार। यहाँ पर उपस्थित ये शिशु जो होता है रोगग्रस्त शिशु, रोगग्रस्त शिशु जो कि इस रोग से ग्रसित होता है उसको रीसस शिशु कहते हैं। रीसस शिशु, इसकी समय से पूर्व जन्म होता है, इसमें एनीमिया पाया जाता है, एनीमिया का मतलब ब्लड की कमी या फिर आरबीसी जो होती है वो क्षतिग्रस्त होती है, इसलिए इसको बचाने के लिए उपचार की यदि बात करें तो उपचार के अंदर रिसस शिशु जो होता है इसके ब्लड को समय समय पर बदलना पड़ता है, इसके ब्लड को बदला जाता है और बदल कर ही इसको बचाया जा सकता है। इसके अलावा सेकंड, इसके अंदर जो शिशु का जो जन्म होता है, शिशु के जन्म से 72 घंटे पूर्व जो शिशु का जो जन्म होता है उसके 72 घंटे पूर्व ही इसको इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है जो कि आरएच नेगेटिव माता को एंटी आरएच नेगेटिव एंटीबॉडी का होता है और दिया जाता है आरएच नेगेटिव माता को। तो इस प्रकार से इसका हम उपचार कर सकते हैं, समय से पहले
जन्म होता है, एनीमिया की कमी पाई जाती है, इस वजह से इसका ब्लड जो है वो समय समय पर बदलना पड़ता है, बदलकर बचाया जा सकता है। सेकंड, शिशु जन्म से पूर्व, शिशु का जब जन्म होता है तो उससे पूर्व, पहले 72 घंटे के पूर्व इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है। इस इंजेक्शन के अंदर RH नेगेटिव एंटीबॉडी का ब्लड होता है या इंजेक्शन तैयार किया जाता है, जो कि प्रतिरक्षी इसके अंदर उत्पन्न होती हैं, और RH नेगेटिव माता को ये दिया जाता है। तो इस प्रकार से RH जो सिस्टम है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।